नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चार जागेंद्र मिश्रा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दिन की रासपल की लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 24 मार्च 2022 गुरुवार का दिन है और चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि और नक्षत्र आज ज्येष्ठा अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर ग्यारह बज के मिनट से लेकर दोपहर बारह मिनट तक रहेगा आज का सूर्योदय सुबह छः बजकर एक मिनट और चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है शाम छह बजकर बावन मिनट तक रहेंगे वृश्चिक राशि पे उसके बाद धनु राशि पे गोचर कर जाएंगे आज का जो अशुभ समय होगा वह तकरीबन होगा सुबह सात बजकर बावन मिनट से लेकर सुबह नौ बजकर दो मिनट तक रहेगा इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दिन के राशिफल की और यह प्रक्रण चंद्र राशि पर आधारित है कन्या राशक को आज बड़ी अच्छी खबर मिलेगी क्योंकि आज आपको कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही साथ तरक्की के लाभ के योग बन रहे हैं कन्या राजकत को आज किसी के साथ आज आपकी अच्छी जमेगी आज आपको महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी किसी से और यह सलाह आपके काम आ सकती है आज अपने मेहनत के दम पर आज आपको सफलता मिलेगी कन्या राजकथ को बिजनेस व्यापार कारोबार में हर जगह आज आपको सफलता आपकी मेहनत के दम पर मिलेगी अगर आपने पहले से कहीं धन इन्वेस्ट कर रखा था तो आज आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा आज आपको प्रमोशन को लेकर बड़ी अच्छी खबर मिलेगी साथ ही साथ प्रमोशन के साथ साथ आज आपको लोटरी सट्टा और इनकम में वृद्धि साथ ही साथ कोई महत्वपूर्ण डील को लेकर बड़ी अच्छी खबर मिलेगी आज आप काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे कन्या राजगत को व्यापारी हैं तो आज आपको संपत्ति संबंधी तमाम कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं और आज आपको शेयर मार्केट वगैरह में आज आपको लाभ के योग बन रहे हैं आज आपके कैरियर में पहले के मुकाबले काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण लाभ होगा तमाम स्टाफ के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप अपने घर परिवार से महत्वपूर्ण फैसले लेकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं आज आपको पूरा ध्यान अपने कार्यक्षेत्र पर रहेगा कन्या का को पूरी तरह से आज, आज आप समर्पित रहेंगे अपने कार्यक्षेत्र में और पूरी तरह से आपका ध्यान भी होगा कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे कई महत्वपूर्ण कार्य जो आज आपके पूरे होने वाले हैं जो कार्य अधूरे थे जो कार्य यानी पेंडिंग थे वो कार्य आज आपके पूरे होंगे करियर में बड़े अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा कन्या राजों और साथ ही साथ बिजनेस व्यापार कारोबार का विस्तार कर सकते हैं आज आप बहुत ही अच्छी चीज़ें आज आपके पक्ष में होंगे आज आपको यानी कि हर जगह से तरक्की मिलेगी हर तरह से लाभ मिलेगा आज आप लोगों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा आज जरूरतमंद लोगों के बीच में आज आपको सिद्धांत दक्षिणा भी करते नजर आएंगे कन्या राजकथ को आज आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होगी साथ ही गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे और आज आपको गाड़ी वाहन को लेकर बड़ी अच्छी खबर तो मिलेगी लेकिन जमीन प्रॉपर्टी को लेकर भी अच्छी खबर मिलेगी सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं ज्वेलरी का काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कन्या राजकथ को आज आपका विशेष लाभ होगा वैसे भी आज गुरुवार का दिन है गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है और अगर आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आज हल्दी का दान करें केले का दान करें एक लोटा जल लें हल्दी किशमिश गुड़ और चने की दाल डाल के केले को स्नान करें तो विशेष लाभ होगा कन्या राशग को संतान प्राप्ति होती है और साथ ही वैवाहिक जीवन इससे सुखमय रहता है इसलिए ये उपाय जरूर करें जिन लोगों की दिक्कतें चलती है वैवाहिक जीवन में संतान को वो वही उपाय जरूर करें या फिर आप चाहें तो आज कथा भी सुन सकते हैं गुरुवार की तो आज के दिन कन्या राशग को विशेष लाभ होने वाला है विशेष यानी कि उन्नति और विशेष कामयाबी से भरा रहने वाला है पार्टनर से में बिजनेस व्यापार कारोबार करते तो धन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी पार्टनर के साथ अच्छी जमेगी उनके साथ तालमेल बेहतर होगा पारिवारिक जीवन में जो अनसुलझे मुद्दे थे वो सुलझेंगे बैंकिंग के क्षेत्र से आज आपको बड़ी अच्छी खबर लोन के रूप में मिलेगी ये लोन जब मंजूर होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति आपके वित्तीय मामले में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा यानी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी धन को लेकर संबंधों को लेकर आज आपके घर परिवार में अच्छी जमेगी और अव्यश जातकों के लिए नए रिश्ते आएंगे शादी विवाह के लिए चर्चाएं चल सकती है शादी के विवाह के लिए कुछ नए यानी कि रिश्ते पक्के हो सकते हैं घर में बड़े भाई बहनों को सहयोग हो, प्राप्त होगा कन्या राजको आज विशेष उपलब्धियों के लिए जाने जाएंगे घर में शुभ मंगल कार्य धार्मिक कार्य हो सकते हैं आज आप कुछ धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करते नजर आएंगे आज आपके पिताजी से सहयोग प्राप्त होगा धन लाभ की प्राप्ति होगी आज आपके उनके स्वास्थ्य के लिए लाभ होगा साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा तो घर परिवार की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी पॉजिटिव रहेगी और आपके पक्ष में रहेगी कुछ महत्वपूर्ण फैसले निर्णय के लिए आप आप जाने आज आप जाने जाएंगे कन्या राशि जातकों आज संतान को लेकर भी बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी संतान की तरफ से कोई यानी कोई उपहार मिल सकता है गिफ्ट मिल सकता है जीवन साथी से आज आपकी अच्छी जमेगी जीवन साथी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और कन्नी राजकत को जीवन साथी का सहयोग आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा आज आपके उनके साथ घूमते फिरते नज़र आएंगे कुछ गिफ्ट वगैरह इन्जॉय करते नज़र आएंगे यानी आज का दिन काफ़ी विशेष रहने वाला है बहुत ही अच्छे मौज मस्ती करते नजर आएंगे घूम फिर कर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करते नज़र आएंगे यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होगी हर प्रकार की संभावनाएँ आज, आज आपके लिए काफ़ी बेहतर हो रही है कुछ नई चीज़ें आज आपके अंदर हो सकती है कुछ नए महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं जो काफ़ी समय से अधूरे थे पूरे नहीं हो पा रहे थे वो पूरे होंगे आज के दिन आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी लव पार्टनर कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा आज ढेर सारी मीठी मीठी बातें होंगी और बहुत ही अच्छे खूबसूरत यानी कि लम्हे गुजारते नजर आएंगे कुछ ऐसे कार्य आज के दिन पूरे होंगे जो काफ़ी दिनों से अधूरे थे तो आज लव लाइफ अच्छी रहेगी लव पार्टनर गिफ्ट और उपहार देंगे सोने चांदी खरीदारी कर सकते तो वहीं कन्या राजगत को आज आपके यानी बैवाह पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी आज आपको बड़ी विशेष अच्छी खबर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई पर आपका मन भी लग रहा है स्वास्थ्य भी आपका बेहतर हो रहा है स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी आज के दिन वैसे भी आज आपके शाम के समय चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएंगे चंद्रमा अभी तक तीसरे भाव पे रहेंगे शाम छः बजकर बावन मिनट तक तीसरे भाव पे उसके बाद चौथे भाव पे तो तीसरे भाव से पराक्रम वृद्धि साहस सम्य तो वृद्धि होगी लेकिन जब शाम के समय जाएंगे चौथे भाव पे तो जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा प्रारंभिक शिक्षा जिनके उनके लिए अच्छा रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर सुख साधनों में वृद्धि होगी घर परिवार के सुख साधनों में गाड़ी वाहन की प्रॉपर्टी वगैरह की नए भवन का निर्माण करेंगे अनेक वगैरह यानी कि अनेक वगैरह आप बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे आज के दिन तो कन्या राजकृत को आज के दिन विशेष रहेगा विदेश की यात्राएं हो सकती हैं विदेश जाने के सपने पूरे होंगे विदेश से, से भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है और कन्या राजगो आज के दिन विशेष इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आज आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अलग हट से हट कर ले सकते हैं घर परिवार के सुख साधुओं में वृद्धि करेंगे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र से भी आज आपको लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है आज आपको किसी से महत्वपूर्ण सलाह मशविरा लेने की जरूरत पड़ सकती है लव पार्टनर से या फिर आप जीवनसाथी से राय ले सकते हैं राय लेने के बाद आप खुद भी सोच सकते हैं ए, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है यह सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा और आज रिश्तों में प्यार काफ़ी मजबूत रहेगा और आज अगर आप सिंगल हैं तो आज आपके जीवन में कोई अच्छा जीवन साथी साथ देगा और दस्तक देगा तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के दिन बहुत खूबसूरत रहेगा आज बेहतरीन यानी कि अच्छा दिन कहा जा सकता है सत्र विरोधी गतिविधियां भी शांत रहेंगे आज किसी से मतभेद करने से या फिर क्रोध करने से बहसबाजी करने से बचना होगा बेबजाय किसी के साथ ज़्यादा बोलने से आपको बचना भी होगा आज आपको कारोबार के मामले में धन को के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा लेकिन किसी को उधार कर्जा मत दीजिए किसी अजनबी पर भरोसा मत करिए लेन देन के मामले में खासकर आज के दिन कन्या राजगत को किसी को भी उधार पैसा ना दे किसी से भरोसा ना करें वरना पैसे फंस सकते हैं डूब सकते हैं तो आज आपका कन्या राजख को शुभ रंग रहेगा यहाँ पर नीला और भाग सातवीं बार आपका तकरीबन यानी कि एट्टी दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस जरूर करिएगा